मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने विवादित बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लेने की बात कही। जीतू पटवारी द्वारा अपने ऊपर दिए गए अमर्यादित बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दे। कभी दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं, कभी कमलनाथ आइटम बोलते हैं, अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रस निकल गया बोल रहे हैं। इमरती ने कहा कि बाबा साहब के संविधान से ही सभी महिलाएं बाहर निकली हैं, जबकि मैं तो एससी समाज की महिला हूं। मैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लें जो महिलाओं के बारे में इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कहना चाहती हूं भाई साहब कि जो कांग्रेसी लोग हैं उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उन्हें मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ। लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, वो तो अब छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन एज उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं। तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी भाषा बोलने का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं को बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, हम उनके अधिकार से बाहर निकल रहे हैं और उनके ही संविधान से हमारी सारी महिलाओं को ये मिला है कि हम बाहर निकले, काम करें, चाहे बिजनेस करें, नेतागिरी करें, नौकरी करें। तो हमारी महिलाओं के ऊपर वो कांग्रेसी तो शुरू से ऐसे बोलते आए हैं, तो मैं उनसे चाहती हूँ कि भाई ऐसा ना बोले। और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है, लेकिन मैं एसपी नो जाऊंगी, उनकी उनपे FIR कराऊंगी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये आप इतनी इमरती को इतनी सस्ती ना समझे, ऐसा ना समझे कि वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। मैं अब लड़ूंगी और मैं अपनी सरकार से भी कहूंगी कि मेरे साथ मुझे न्याय दो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।